खुशामदीद, आपका स्वागत है नए दिन नई रेसिपी के साथ। आज मैं 10 मिनट में ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है। मैंने चावल का आटा लिए, आप कोई भी कप या मग हिसाब ले लीजिए, मैंने एक कप लिए। 3 चम्मच सूजी मैंने इसमें ऐड करी। अब नमक अपना टेस्ट के हिसाब में हम डालेंगे। मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके रखी थी, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। हरा मिर्ची है, आप इसका जगह लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और करी पत्ती है, करी लीव्स। अब मैं इसमें एक मग पानी डाल के पहले इसे मिलाऊंगी। इसका पतला डो हमें बनाना है। इसमें और एक मग डालेंगे हम। एक कप में हम 2 मग डालेंगे अभी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा पैन गरम हो गया है, पैन में हम तेल हल्का सा ऐड करेंगे। अब इसमें जो 1 चम्मच हम बैटर बनाए थे वो बैटर को हम डाल देंगे। एकदम पतला रहना है बैटर। अब मैं इसे ढक दूंगी 1 मिनट तक। अब इसे हम चेक करेंगे। थोड़ा से तेल ऐड करेंगे साइड में हल्का से। अब हमारा एक साइड लाल हो गया है, अब इसे हम पलटी कर देंगे। एकदम क्रिस्पी रह गए बनाना और वही टाइम खाना। अब इसी तरह बाकी सब भी हम तैयार करेंगे। अब हमारा 10 मिनट का डोसा बनके तैयार है जो बहुत ही सिंपल है, आसान है, बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। ये बनाना हमें इसी वही टाइम खाना। इसके लिए मैंने नारियल की चटनी मैंने पीसी है, धनिया पत्ती, हरा मिर्ची, करी पत्ती, लहसुन सब डाल के मैंने पीसी है। इसका संग ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आलू का तरकारी भी इसका संग बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरा 10 मिनट का नाश्ता का रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।